एक ओर छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार अपनी बहुप्रचारित योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर विशेष प्रचार प्रसार और काम करने की बात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस योजना पर सवालों की झड़ी लगा दी है। अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के कार्यक्रम में पहुँचे डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर गोबर घोटाले जैसी बातें कही है और स्थिति को दयनीय बताया है। इनके इस बयान के आने के बाद कांग्रेस का भी पलटवार शुरू हो गया। इस राजनीति में कुछ ऐसी बातें हुई जो हम आपको सुना रहे हैं। बघेल सरकार की महत्वपूर्ण योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोपों की बौछार कर दी है। उनका कहना है कि बघेल सरकार ने जिस योजना को शानदार बताया है वो पूरी तरह फेल साबित हो चुकी है। उन्होंने मंडल स्तर पर आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण समारोह के दौरान गोबर घोटाले होने की बात भी कही। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आरोप है गौठानों में न पैरा है और न ही डॉक्टर है। नरवा घुरवा बाड़ी बघेल सरकार की इस योजना की हालत बहुत खराब है। पर मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार ये नरवा गरवा गरवा बारी इन चार फ्लेक्सिम स्कीम की जो हालत है, कहीं बजट में कोई प्रावधान नहीं, सिर्फ 14 फाइनेंस कमीशन के पैसे का दुरुपयोग और एक भी गांव के अंदर जो इन्होंने गौठान बनाए हैं उसके शेड पूरे ख़त्म हो गए, ना पैरा भूसा की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना गाय रोकने की व्यवस्था है, ना डॉक्टर की व्यवस्था है, गाय लावारी सड़कों में मर रही है। यही इनका नरवा गुरवा गरवा बारी योजना है जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम है, पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस नेता ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी योजना का नाम लेना भी नहीं आता। कांग्रेस प्रवक्ता ने इस योजना को जल संरक्षण और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के 24 महीने के कार्यकाल के बाद भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन के दौर से गुजर रही है। मुद्दा विहीन हो चुके हैं, मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। रमन सिंह जी और भाजपा नेताओं को तो पहले ठीक से नरवा गरवा घुरवा बारी बोलना सीखना चाहिए, उसके बाद योजनाओं के बारे में उनको बात करना चाहिए। नरवा गरवा घुरवा जो है छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम है, जल संरक्षण का माध्यम है और सरकार इसमें काम कर रही है और सफलता के साथ इसी योजना आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को लेकर भाजपा ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने गोबर घोटाला होने की बात कही है। राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक संपन्नता के लिए इस योजना को महत्वाकांक्षी योजना बता रही है, वहीं भाजपा विपक्ष की भूमिका में सक्रिय नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ अम्बेश नामदेव की रिपोर्ट।